ये तो नेट ही घूम गया। सुनो पुरानी जय भैया जय बोले की और भाई बोलेगी। जैसे सुनो मेरी बोलिए बात बोलिए। बढ़िया आंख भी नहीं खुली है। यार। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम क्यों? शाम के टाइम पे इंडिया में अभी कितने बजे हैं इंडिया में? 9:30। 9:19 यार 30। अच्छा भाई, रात के 9:30 बजे तुम लोग यहाँ पे लाइव पे बैठ गए, बातें कर रहे हो कि वहां जाएंगे वहां जाएंगे। यार तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि दो जगह तुम लोग जाते हो, मनाली जाएंगे या तो दार्जिलिंग जाएंगे। मनाली का तो नाम ही नहीं लिया और ना ही दार्जिलिंग का नाम लिया। कहने की नकली बात को समझो, गलपावड़ बोलो पनोली बात को समझो यार। समझाओ। दुनिया इतनी बड़ी है साला, रात को 9:30 बजे तुम लोग मनाली जाएंगे यहाँ पे जाएंगे। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, कभी इंडिया से बाहर तो निकलो यार। अगर तुम ऐसी बात करते कि यार चलो ब्राजील जाएंगे, साला ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, कोई एंटार्क्टिका जाएंगे, भाई ऐसी बातें तुम करते लेकिन तो लोगों को हमारा ये है मोटिवेशन ना लोग नोड़ी हमारा अरे पुरानी, अरे पुरानी भैया कम से कम हमारा पासपोर्ट तो बनाओ। पासपोर्ट भी लोगों नहीं बनाया को तो भाई बाहर कैसे लोगों को बैठेंगे। बोल गर्ल रही थी अभी तक। पावर लोगों कह को रही थी ये दो मोटिवेशन हजार मिलता भाई, राणा लोगों को जी गर्ल पावर मोटिवेशन कह रही मिलता। थी मेरे पास जवाब कह रही थी गर्ल का। ये क्या है, मेरे ये पास क्या है, मनाली ये जाएंगे? सवाल का जवाब है। हमारा इंडिया इतना खूबसूरत है, पहले हम हमारा इंडिया एक्सप्लोर करेंगे फिर बाहर के देशों को देखेंगे। हाँ हाँ यही गर्ल पावर राइट कह रही थी। कहती मैं भी 23 में एंडिंग में मुझे पनोडी वहां पे ले जाएंगे, है इससे अच्छा मैं इंडिया की सैर पूरी कर यार, लूं। बस यही न्यू ईयर आता है इंडिया में तो चलो भाई मनाली चलते हैं, गोवा चलते हैं, दार्जिलिंग चलते हैं, यहाँ चलते हैं। यार इतनी बड़ी दुनिया है, अब क्या ही यार दार्जिलिंग गोवा क्या है उसमें यार। अगर तुम ऐसा बोलते कि भाई चलो न्यू ईयर है ब्राजील चलते हैं, सांता मांत्रा चलते हैं, भाई जबरदस्त साइड एंड है, मजे करेंगे, लोगों को नीचे मोटिवेशन मिलता भाई। लोग नीचे पूछते कि भाई ये सांता मांत्रा क्या है, लोगों को नई चीजें जानने का मौका मिलता। बस ये घूम फिर के चलो मनाली चलो दार्जिलिंग। अरे अरे जो ये नीचे बैठे हैं ये सरोजनी बाजार जाने वाले हैं, पालिका बाजार जाने वाले हैं, ये कहाँ ब्राजील के लिए भाई उत्सुक हो गए पहले सुनो इनको नहीं इंडिया भैया। घुमाते हैं बाद में बाहर का दिखाते हैं पनोड़ी। यार मैं 10th में था तो समर वैकेशन था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई चलो अपना ये क्या है ये दार्जिलिंग चलते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि चलो दार्जिलिंग चलते हैं, समर वैकेशन शुरू हो गया। मैंने उसको एक एक खींच के मैंने उसको भाई चाटा मार दिया। मैंने बोला शर्म आनी चाहिए साले, वी गाइस आर नाउ 16-17 years old। अब हमें ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रियों में जाना चाहिए और तू साले यहाँ दार्जिलिंग की बात कर रहा है। भाई वो बंदे ने मुझे ऐसा बोला कि भाई चलो तो फिर अब तो चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। मैंने बोला ये हुई ना बात पनोरी भाई, आप इंडिया टेंथ से कितना प्यार करते हो? क्या आप इंडिया से कितना प्यार करते हो ये बताओ। मैं तो भाई पूरी दुनिया को प्यार करता हूँ, इंडिया उसमें इंडिया का से क्या है। हाँ इंडिया से कितना प्यार करते हो ये तो बताओ। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ ना इंडिया से प्यार करते हो या नहीं अगर करते हो? गर्ल पावर इसकी जगह आप पूछ लेते कि तुम मुझे कितना करते हो तो ये जवाब भी दे पाते। नहीं नहीं ये अच्छा तो जब नई नहीं गल लड़कियां नहीं नहीं इंडिया नहीं की ये आती अरे नहीं नहीं भाई, देखो इस भाई बंदी से तो अपना, इस बंदी से तो अपना दिल हट गया। इसके बारे में कुछ बातें मुझे लोगों ने बताई गॉड तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ये बहुत अच्छी मोर। लड़की है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। एनीवेज तो वही देखो, बड़ी बड़ी बातें करो यार, बड़ी सोच रखो। मैं तो बोलता हूँ चलो थाईलैंड चले, दुबई चले, सिंगापुर चले, ये भी सारी विदाउट
क्या बोलते हैं उसको, उस ये सारी कंट्री में जाने के लिए कोई वीजा वीजा की जरूरत नहीं होती है यार। सपने बड़े रखो, बड़ी उड़ान लगाओ, ये क्या है यार। अब गर्ल पावर, लेकिन मुझे तो लगता मुझे भी गर्ल पावर तो मुझे ये बता, गर्ल पावर तो मुझे ये बता, बोलिए। तेरी अभी तेरी एज है कि तू ये मंदिर मस्जिदों में भटकती रहेगी? लेकिन पनोड़ी एक चीज बोलूं, इंडिया इतना प्यारा है, इतनी प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर करने की। मैं इंडिया में एक्सप्लोर क्यों नहीं करूं? मेरा मन होगा तो बाहर भी चली जाऊंगी। मुझे सीमेंट फ्री वर्ल्ड नहीं पसंद, मुझे है ना नेचुरल वाली चीजें पसंद है। हिमाचल है तो आप ऐसे एकदम अफ्रीका नेचुरल, के जंगल में चली जा। अफ्रीका अफ्रीका के जंगल का भी प्लानिंग है, लेकिन मुझे सूरत से नवसारी तो ये जा आपको नहीं क्या पाती है। पता कि मैं जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ? जाती है भाई, ऑफ जाती कोर्स भाई। जाती है, जाती है। सुबह नवसारी से एक लोकल ट्रेन निकलती है, मतलब के सूरत से निकलती है वो लोकल ट्रेन, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया गुजरात में। एक मिनट मैं याद आने ट्रेन में दो। लास्ट टाइम कब बैठी थी मुझे ये भी याद नहीं है। एक लोकल ट्रेन निकलती है भाई सूरत से, जाती है दादर तक, बॉम्बे दादर तक, राइट। तो गर्ल पावर क्या करती है भाई, उसी लोकल ट्रेन में, मतलब लोकल ट्रेन कैसी होती है पता है, वो बॉम्बे में जो चलती है ना, ऐसा ऐसा ही होता है भाई। लोग खड़े हैं हैंडल पकड़ पकड़ के भाई, ये जाती है वहां पे, ठीक है। फिर सूरत में ये थोड़ा घूम घूम के डुम्बस बुम्बस घूम लिया वहां पे, रात्रि ट्रेन फिर ये फीलिंग ऐसा लेती है कि भाई मैं मनाली में हूँ, मैं जंगलों में घूम रही हूँ, अभी मैं आपको ठीक है। बता तो नहीं सकती हूँ ना कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। ट्रेन में मैं कब लास्ट टाइम बैठी थी मुझे पता ही नहीं है, और आप ट्रेन की बात कर रहे हो। मुझे इंडिया बहुत पसंद है, बहुत सारी ऐसी प्लेस है वहां पे जाना चाहिए, इवन आपको भी जाना चाहिए। सुन, जी नवसारी में जो सबसे बड़ा मंदिर है ना, स्वामीनारायण, हाँ आज वहां पे महाप्रसाद है शाम को। हाँ, ओके तो महाप्रसाद में आज 3 सब्जी है, रोटी है, पूरी है, दाल है, राइस है, एंड 2 जात की स्वीट्स है। तो वहां पे चले जाना, एक्सप्लोर करने। मैं डाइट कर रही हूँ, मैं मेरा खाना खुद बनाती हूँ या फिर मेरी मम्मी बनाते हैं, मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। सिर्फ कल इसने चना पूरी खाया था और सारी रात वॉमिटिंग करती सिर्फ रही। एक दिन खाया था, सिर्फ एक भाई दिन, इसलिए वॉमिट हुई थी। यार देख, लंगर लगने वाला है तो मैं तो लंगर में लंग नहीं खाती हूँ पनोरी। वैसे लंगर का खाना अच्छा होता होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं अच्छा होता होगा, लेकिन मैं डाइट का फूड खाती हूँ। मैं डाइट कर रही हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। अच्छा, तो डाइट डाइट क्यों कर रही है भाई, तो इसके पीछे का क्या रीजन क्या है? मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, किसके लिए? अच्छा, मेरे खुद के लिए। मुझे हॉट दिखना है। हॉट दिखना है तुम्हें। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि तुम हॉट दिखो, उसके बाद तुम्हारे पीछे लड़के आए। मुझे लड़कों की तलाश नहीं है, मैं अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ। अच्छा, तो उसके लिए तो दूसरे सामान भी लगते हैं ना अपने आप को प्यार करने के लिए। जरूरी नहीं है वही प्यार के भूखे हर कोई होता है। अच्छा, तो मतलब कैसा प्यार चाहती हो तुम जिंदगी में? मैं अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ, दैट्स इट। अच्छा दिखना चाहती हूँ, फिट रहना चाहती हूँ, इसलिए डाइट करती हूँ। अच्छा, देखो एक चीज आपको अरे बोलूं, एक गर्ल मिनट पावर राणा फिटनेस दीदी, पे थोड़ा टॉपिक चल रहा है। राणा दीदी, हाँ हाँ,
वो कहते हैं ना कि जिस्मों के पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी है, मुझे तो तलाश रूह पे मरने वाले की है। वाह, कौन सी पिक्चर का डायलॉग है ये? ये मैंने बताया है, ढूंढो कहीं मिल जाए तो। अच्छा 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 मैड कर लो, मतलब के तू आत्माओं के पीछे जाना चाहती है? नहीं हाँ, आत्मा ने हाँ आप नहीं समझेंगे। नहीं नहीं वो तो मैं समझ चुका हूँ कब का तुझे, अभी 2 दिन पहले ही मैं तुझे समझ गया पूरा। ओके और बिंदास कैसा है बीटू? बढ़िया बढ़िया एकदम। बस भाई देख, तेरी बिटिया के लिए मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं कर दूंगा। अभी यार मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, इसीलिए। नहीं नहीं कोई इशू नहीं। और सांगो बहन भी हॉस्पिटल में थे, तुझे पता ही होगा राइट? तो ऐसा मत सोचिए मेरे दिमाग में नहीं है वो बात, मेरे दिमाग में ही है, लेकिन यार अभी आपकी तबीयत कैसी है पनौडी भाई? मैं तो ठीक हूँ। अरे वो बीमारी कब थे? आप क्या नहीं, अरे मरे नहीं थे, अरे ऐसा मत बोलो। वो कह रहे थे ना कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, मैं तभी पूछ रही हूँ। अरे राणा जी तुम भी यार क्या बोलते हो यार, पनौडी भाई तो दूसरों का बीपी हाई करवाते हैं भाई, अरे वो ये खुद खुद का बोल क्यों रहे करेंगे? थे आप भी हद। अरे नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कुछ था नहीं, कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है, बट दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मतलब गर्ल पावर तुमने इंडिया में क्या क्या देखा हुआ है? मैंने केरला देखा हुआ है, कसोल देखा है, जिभी देखा है, राजस्थान देखा है, उदयपुर देखा है, गोवा देखा है, मुंबई, इतना देखा है, अभी इतना ही एक्सप्लोर किया है। और मुझे मेरा है कि मैं मेरी फ्रेंड की वजह से मैं जा रही हूँ मसूरी फेब में, लेकिन जून में कश्मीर जाऊंगी ऐसा सोच रही हूँ। अच्छा, और अब आपकी क्या इच्छा है? आपकी तबीयत किसकी? ठीक है मेरी पनोड़ी? नहीं, गर्ल पावर की इच्छा क्या है, कहाँ जाना है? अब इसमें अब इससे ये पूछो, सब जगह घूम के आई, अब इसकी एक और इच्छा है, ये हाँ, यूएस क्या इच्छा है अभी जाना बताओ? चाहती है। क्या इच्छा है? आई डोंट नो। अब कहाँ यूएस तो भाई, जाना चाहती अब है फाइनली? यूएस मेरा तो न्यू भाई बात यह है कि यूएस तो अब शायद भूल जाओ तुम लोग, क्योंकि यहाँ की पॉलिसीज बहुत चेंज हो रही है, इतनी सारी पॉलिसी चेंज हो रही है, इमिग्रेशन लॉ इतने चेंजेस हो रहे हैं जनवरी में कि उज्जैन भी देखा है। नाउ इज वेरी हार्ड टू कम इन यूनाइटेड स्टेट। बहुत 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 हाँ, स्ट्रिक्ट, न्यूज़पेपर में भी आया बहुत था। स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये लोग सब सारी चीजें इमिग्रेशन को लेके, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की कंट्रियों के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स ये हो रही है अभी यहाँ पे। यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं राइट, उनके पास कुछ होता नहीं है, मतलब के कुछ भी नहीं होता है, तो वो लोग अपना टैक्स नहीं भरते हैं। और प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि जितने लोग अपना यहाँ पे, एवरीवन पेइंग अ टैक्स हियर राइट, तो उनके जो टैक्स के पैसे हैं वो सारे पैसे उन सारी जगह पे लग रहे हैं जहां पे नहीं लगने चाहिए। तो अभी अमेरिका का माहौल उन सारी चीजों को लेके बहुत ही मतलब के लोगों में बहुत ही गुस्सा है। तो भाई तुम गर्ल पावर भूल जाओ यूएस आना। लेकिन मैं तो कनाडा जाने का सोच रही थी ना कनाडा तो, पनोड़ी, अरे कनाडा तो गार्बेज कंट्री हो गई मेरी जान। बट कनाडा से यूएसए शिफ्ट हो सकते हैं ना इन फ्यूचर? अरे पागल, मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया के लिए लो, पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्री है हाँ, उन सब के लिए लोड स्ट्रीक हो रहा है, तो उसमें कनाडा थोड़ी बाहर रहेगा। कनाडा भी तो है, कनाडा लेट्स भी सी क्या अपनी। होता है, देखते हैं। पहले पहले ऐसा था कि तुम कनाडा आते हो तो हाँ कनाडा में
कुछ महीने रुकने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर यूएस वीजा, लेकिन वो सारी चीजें बंद हो रही है, ठीक है। तो तुम्हारे पास अब एक ही वे है यूएस आने का, या तो तुम मतलब के या तो तुम किसी यूएस सिटीजन से शादी करो, या तो फिर तुम्हारे में ऐसी कोई स्किल हो, मतलब कि तुम इतनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए कि यहाँ की कंपनी को तुम्हारी इतनी जरूरत हो कि तुम्हारे बगैर वो काम कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसी तो स्किल है नहीं तुम में, राइट तो तुम्हारे पास गर्ल पावर, ये सच बात है जो पनोड़ी भाई कह अब रहे तुम्हारे पास ना मेरी मेरे को है ना इंडिया से, देखो यूएसए में और दूसरी मतलब कंट्री में अच्छा मतलब है, क्वालिटी अच्छी है, लिविंग लिविंग क्वालिटी अच्छी है, बट द थिंग इज कि अगर आपको शांति से जीना हो तो इंडिया भी बुरा नहीं है। अगर आप वेल पूरी सेटल्ड हो दुनिया तो में इंडिया एक अच्छा ही है ना। कंट्री है, पूरी दुनिया में एक ही कंट्री ऐसी है यूनाइटेड स्टेट, जहां पे यू मेक गुड मनी, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी मनी मनी अभी हालत ऐसी आ चुकी है यहाँ पे, जो आईटी वाले आते हैं ना इंडिया से, राइट, उनको भी उनका उन लोगों का भी अब वर्क वीजा रिन्यू नहीं हो रहा है, राइट, उन लोगों को भी जॉबों से लाते मार के निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिसेशन आ चुका है। ओके जो कि जैसे कि अगर ये बिंदास बोलेगा कि भाई मैं $25 में जॉब करूंगा, तो उसके पीछे दूसरा आईटी वाला बोलेगा कि भाई मैं 20 में करूंगा, तो कंपनी तो 20 वाले को ही हायर करेगी ना, राइट, क्योंकि जो स्किल बिंदास में है वही स्किल वो दूसरे बंदे में है, लेकिन दूसरा बंदा $20 मांग रहा है, समझती हो। लेकिन सही बात है। लेकिन पनोड़ी इंडिया वैसे बेस्ट है रहने के लिए, शांति से यहाँ पे सारी देखो भाई, फैसिलिटीज अवेलेबल है ना यार। देखो बात यह है कि ये बात होती है कि देखो भाई, अमेरिका में अब तुम गर्ल पावर कभी नहीं आ पाओगी, अरे तुम्हारा जो सपना मैं है वो घूमने के चूर बेस चूर। पे अरे मेरा सपना घूमने यूएसए भी आना नहीं आ नहीं सकती नहीं तुम, ये विजिटर वीजा का चौचला ही निकालने वाले हैं इमिग्रेशन वाले, जो मतलब जो डेवलप कंट्री है ना, हम डेवलप कंट्री में आते हैं ना, इंडिया डेवलप कंट्री में आती है, तो जितनी भी डेवलप कंट्री में है उनका जो विजिटर वीजा का जो क्राइटेरिया है वो ये लोग बहुत ही लो करने वाले हैं, अब मतलब 5% to 10% ही कर देंगे। तो मतलब कि भाई अगर 100 लोग वीजा लेने के लिए जाएंगे तो उसमें से सिर्फ 5 या 6 लोगों को ही मिलेगा। ओके हाँ, तो गर्ल पावर अब तुम तो भूल ही जाओ भाई सारी चीजें। जिन लोगों ने, जिन आईटीओ वालों ने यहाँ आने के सपने सोच रखे हैं बैंगलोर से, दिल्ली से, भाई उन सब लोगों को मैं मैसेज देता हूँ कि भाई तुम अब लोग इंडिया में ही रहोगे, तुम्हारा फ्यूचर अमेरिका में खत्म हो चुका है। ये गिरा हुआ इंसान बोल रहा है गर्ल पावर की आईडी उड़ा दूंगा मैं, क्यों अरे उड़ा वो देंगे। अरे गिरा हुआ इंसान नहीं है। अरे नहीं, वो आईटी नहीं उसकी। तो ओके गर्ल पावर देखो, तुम्हारा अब कोई काम नहीं हो सकता भाई, अब तुम इंडिया में ही रहोगी पूरी जिंदगी भर कोई तुम्हारा, प्रॉब्लम नहीं है। और तुम कनाडा आओगी तो कनाडा में इतने सारे कनाडा के हाल तो इतने गंदे हो चुके हैं कि मेरा है ना पीपल आर लास्ट डाइंग। ऑप्शन कनाडा है, वरना मैं इंडिया में बहुत खुश हूँ। हाँ तो तुम कनाडा जाके तुम 1 महीने में वापिस आ जाओगी, क्योंकि कनाडा अभी बन चुका है काइंड ऑफ द, यू समझ लो के कौन सी कंट्री के साथ कंपेयर करूंगा, जर्मनी ठीक है भाई, जर्मनी भी बढ़िया है, जर्मनी क्योंकि भी बढ़िया है पढ़ने के लिए। कनाडा में रोज के हजारों लोग लाते हैं, लाखों लोग आते हैं। हाँ अब भाई हजारों लाखों लोग क्यों आते हैं, कमाने के लिए, राइट। अब इतने जॉब ऑप्शन भी तो होने चाहिए ना कनाडा के अंदर, 60% कनाडा तो लुक बर्फ के नीचे है। लुक, अगर मैं कनाडा जाती हूँ आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एज मतलब, अरे तू तो उसके कॉस्मेटोलॉजी हो या तू चाहे कोई भी लॉजी हो, ठीक है, वहां पे तेरा कोई लॉजिक नहीं चलेगा भाई, समझी। तेरे जैसी तो 1,000 कॉस्मेटोलॉजी वहां सबवे के अंदर $5 में काम करती है। $5 में
तो तुझे क्या लगता है कनाडा के हालात ऐसे ही खराब हुआ है भाई? जो लौंडे लबाड़े स्टूडेंट वीजा में वहां पे जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हम तो अब डॉलर कमाएंगे, भाई वो लोग स्कूल की अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे अभी। इंडिया इंडिया बेस्ट है, मुझे इंडिया छोड़ के जाना ही नहीं है, मैं आराम से जी रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भाई देखो, अमेरिका के अंदर जो लोग सालों से है वो लोग सेटल्ड है, राइट? सेटल्ड है, वरना यस भाई यहाँ पे लाइफ इज वेरी हार्ड, इतनी ऐसी कोई बात नहीं है अमेरिका में। भाई अमेरिका में तुम रहते हो तो भाई खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? राइट। लोग सोचते हैं कि भाई अमेरिका चले जाएंगे, डॉलर्स कमाएंगे, मैंने भाई ऐसा बोली, नहीं होता। पता है पापा, मेरे मेरे डैड ने यही बोला कि इंडिया में तू रहेगी ना तो तुझे हर चीज की फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे कि तुझे काम वाली भी मिल जाएगी, तेरे घर पे खाना बनाने वाली भी आ सकती है, सब कुछ सही रहेगा। अगर तू बाहर जाएगी तो तुझे ये सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। लेकिन मैंने लास्ट ऑप्शन कनाडा रखा था मेरा, कि कुछ नहीं हुआ तो कनाडा चली जाऊंगी। अरे लास्ट ऑप्शन तूने कनाडा रखा है ना भाई, तो तू कनाडा भी चली जा भाई। याद रखना, वहां पे जाके तू है ना, मुझे 10 दिन के बाद तू फोन करके बोलेगी कि यार प्लीज पनोनी मेरी रिटर्न टिकट करवा दो, मेरे पास रिटर्न टिकट के भी पैसे नहीं है जेब में। ओके, ये बोल स्टूडेंट्स का इतना बुरा हाल है वहां पे। तू ये बोलेगी भाई मुझे, समझी? हाँ फाइनली गर्ल पावर इज तो आवर भाई अभी बेस्ट इंडिया जर्मनी का सोच भाई, जर्मनी का। नहीं, मुझे तो इंडिया ही बेस्ट लगता भाई तू देख, तू सिर्फ सूरत का सोच, ज्यादा सोच मत, ठीक है? सूरत तू जा लोकल ट्रेन में, वहां पे जाके अपना ये डुमस रोड है वहां पे जाके फन बन करके घर पे वापिस आ जा, ज्यादा आपको क्या लगता सोच है, मत। आप जो बोलेंगे वो सही है, ठीक है, अरे मैं जो बोलता फाइनली मान हूँ गई वो गर्ल हमेशा पावर। अरे अरे यार ये अरे पागल औरत मेरी प्रेसिडेंट के, अरे प्रेसिडेंट का, मेरे विलेज का जो मेयर है उन लोगों के पास सारी अपडेट्स आती है, समझी? ओके, हाँ, तो वो मेयर का जो फैमिली है वो पूरा डेयरी बन पे आता है। हाँ, तो भाई मेरी डिस्कस होती रहती है भाई, बड़े बड़े लोग यहाँ पे मेरा उठना बैठना है विलेज के अंदर। पागल है तू? नहीं मैं परोनी बिलीव भैया करती तुम हूँ बोल रहे थे आपकी दो बात तीन पे। जनवरी को मीट कर, एक मीटिंग होने वाली है भाई अरे तुम्हारी वो दो तो तीन वो जनवरी को। मार्च में डोनेशन करता हूँ ना मैं, ये हॉस्पिटल्स एंड स्कूल के अंदर एवरी ईयर, तो उसकी मीटिंग है। मतलब मैं अकेला नहीं करता, सारे टाउन के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग करते हैं, तो उनकी एक मीटिंग होती है, तो उसकी मीटिंग है, ठीक है? तो भाई देखो, बात यह है के गर्ल पावर, देख तू एक गरीब फैमिली में पैदा हुई, जी ठीक है? मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। तो तेरी किस्मत में ये सूरत, नवसारी, भरूच, भरूच की हाँ। वो जो क्या भरूच की जो पीनट्स, वो सारी चीजें तू खा पापड़, वहां किसी लोकल बंदे से। हाँ हाँ भाई, हाँ जलेबी, ट्रेनों में घूम तू और किसी लोकल बंदे से अपनी शादी करके अपना डन जीवन संसार चला ले, ठीक है? यस। ये बड़ी बड़ी बातें सोचने से मतलब कि फालतू में तेरा दिमाग खराब मैं होगा। तो छोटी छोटी बातें सोच रही हूँ कि इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने जाऊंगी, छोटी छोटी। अरे मतलब कि वहां पे भी जाने के लिए तो पैसे चाहिए ना गर्ल पावर, हाँ राइट। राइट? अब इतना बजट तो तेरा है नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मेरा बजट नहीं है। हाँ? तो ज्यादा यहाँ लाइव पे आके मैं भी भूल गया यार कि यार मैंने कहा तुझे बोला कि भाई तुम्हें दुनिया के पूरे कोने कोने में जाना चाहिए। मैंने सोचा अभी मैं अध्ययन, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई और बैठा हुआ है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये तो ये अच्छा, ये तूने गर्ल पावर नाम क्यों रखा है भाई तेरी आईडी का? ऐसे ही रखा है, मुझे ये बक अच्छा लगता चोरियों में है। कितने बज गए बैंक सात सुबह के 6 बज गए, चोर? 6 नहीं उधर 11-12 बज गया होगा। बट
अंधेरा देखो ना कैसा लग रहा है। तो पनोड़ी भाई ये फेब में आ रही भाई, मुझे मिलने आ रही है। कहाँ पे? अच्छा इसने टूर रखा हुआ भाई मसूरी का। मुझे कुछ चीजें पक्का भाई? देखनी। भाई पक्का टूर करके आएगी ना ये? टूर करने के बाद ये सबको खुशखबरी सुनाएगी। मुझे बिंदास की बच्ची के अरे लिए नहीं गिफ्ट नहीं देना है, दोस्त भाई इसीलिए मैं बिंदास को मिलूंगी, उसे गिफ्ट दूंगी, देखो इसीलिए मैं उसे इसका मिलने का IQ बोल रहा। आप क्या बोल रहे हो? इसका इसका IQ लेवल कितना कम है, मैंने क्या बोला उसको समझ भी नहीं आया। गर्ल पावर बताओ यार, सुबह सुबह मतलब उठ के भी आपका दिमाग कितना चलता है, सुबह सुबह उठ के भी आपके दिमाग में कितनी बातें आ जाती है। क्या बोल रही है? आपका दिमाग दिमाग कितना शार्प है, आप सुबह उठते हो वैसे तुरंत आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आ जाती है। तू पहला पहला प्यार रे है मेरा। यूके हैज द वर्स्ट रिसेप्शन बट वुड नेवर लीव हियर। ओके चलो भाई अब वुड आई मैं नेवर उठ लीव रहा हूँ, हियर। ठीक है? बहुत हुई बातें, चलो भाई। बाय, वो वाला कल वाला खेला चलेगा ना? हैव ए गुड डे। हाँ कितने बजे? वो तो रात, वो तो इंडिया की रात को और वहां के 10 बजे। कितना हो रहा टाइम? अभी तो 1 घंटा है भाई। देख रहे बिंदास कैसे टाइम नोट कर रहा है, अभी तो 1 घंटा है। सही बात है, अरे अपना मनो तो चलो आएगा। भाई हितेश भाई भी महामंडलेश्वर यार नीचे उसको। बैठे हैं, देखा मनु डिक्लाइन कर रहा है। अरे मनु अरे सिमरन को ले लो भाई, सिमरन बैठिए ना नीचे यार। बेटर, अरे मनु वो मनु आईडी नहीं आएगा, वो घर पे जो होगा। गिरा हुआ इंसान की जो आईडी थी वो फेक आईडी थी।